हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देख रहे हैं वेटनरी हेल्थ। आज की वीडियो एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर है। वो टॉपिक है दूध। हाँ, वो दूध जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिथ हो रहे हैं, जिसको लोग फेंक रहे हैं, जिसके ऊपर लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जिसको लोग यूज़ नहीं कर रहे, जिसके लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में बेचने वाले या ख़रीदने वाले। अगर जो भी आप हैं, अगर आप बेचने वाले हैं तो भी वीडियो आपके लिए। अगर आप दूध पीने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, यूज़ करते हैं, उन गायों का भैंसों का दूध जिनको लंपी वायरस हो चुका है, हाँ वो दूध यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। क्यों यूज़ करना चाहिए या किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए, या इसके ऊपर क्या मिथ है, इसके ऊपर क्या लोगों ने अफवाहें फैला चुके हैं, और ये दूध कब यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए, किस गाय का यूज़ करना चाहिए, किस भैंस का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी गौ माता। इसको 15 से 20 दिन से लंपी स्किन डिसीज़ हो रखा है। तो मैं इसकी वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गाय भी दूध दे रही है। इसको ब्याह को 10 दिन हो चुके हैं। इसका दूध हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारा कुछ आपके आगे आपको बताऊँगा वीडियो में आगे आगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसका दूध यूज़ करना चाहिए नहीं यूज़ करना चाहिए, सारा कुछ वीडियो में बताऊँगा। आप देख सकते हैं इसको लंपी स्किन डिसीज़ वायरस, लंपी वायरस हो चुका है, हो रहा है 15 दिन से या चल रहा है। इसकी स्थिति, इसकी सेहत बिल्कुल सही है और देख सकते हैं इसके शरीर पे कितनी गांठें हैं। अब ये दूध दे रही है, वो दूध यूज़ करें या ना करें, या जिसने भी आपको बताया है कि ये दूध यूज़ करना चाहिए लंपी वायरस वाला या नहीं, सारा कुछ ही आपके डाउट, आपके मिथ सब कुछ क्लियर करूँगा वीडियो में। आपको बताऊँगा ये दिक्कत क्या है और इसका दूध आप यूज़ करें या ना करें। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको सारा कुछ डिटेल में बताता रहूँगा आगे आगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने गाय देखी है तो मैं बताता हूँ हम इसका दूध यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका दूध यूज़ क्यों करना चाहिए, अगर नहीं यूज़ करना तो क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात बताता हूँ, लंपी वायरस जो लंपी स्किन डिसीज़ है ये एक जूनोटिक डिसीज़ नहीं है। तो अभी आप सोचेंगे कि जूनोटिक डिसीज़ क्या होता है, तो जूनोटिक डिसीज़ ये होता है जो जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां होती हैं उनको हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज़। अगर अभी तक ऐसे कोई रिसर्च या कुछ भी डॉक्टरों का कहना है, अभी इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, साइंटिफिक रिसर्च है, जब जो भी इसके ऊपर अभी तक रिसर्च हुई है या चल रही थी या चल रही है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि इसके दूध से कोई नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि जूनोटिक डिसीज़ नहीं है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। पर फिर भी बात रही अपनी केयर की, अपनी प्रोटेक्शन की, अपने आप को बचाने की, तो आपने करना क्या है। जो भी गाय का दूध है, जैसे इसका दूध है हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं इसका दूध। इसका दूध हम यूज़ करते हैं उबाल के, गर्म करके। तो उबालना कितना है, गर्म कितना करना है, अगर हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें तो हम गर्म कर सकते हैं उसको 15 मिनट। अगर 55 मतलब 55 डिग्री पे गर्म करें तो उसको हम गर्म कर सकते हैं 15 मिनट। तो ऐसा ही आपको गर्म करके यूज़ करना है। जितना भी आप गर्म करके यूज़ करेंगे, अच्छी तरह यूज़ करेंगे गर्म करके, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। अगर आप दूध को गर्म करके यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, जो भी हैं, सो सब किल हो जाते हैं। तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यूज़ कर रहे हैं, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूरी फैमिली यूज़ कर रही है, खासकर इसी गाय का दूध। ये गाय है जो भी है मेरे पास गाय, इसका दूध मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, रोज़ पी रहा हूँ 10 दिन से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भाई को, किसी को, वीडियो देखने वाले को, बेचने वाले को ये दिक्कत है कि ऐसा कुछ नहीं होता और आप विश्वास कर रहे हैं उन व्हाट्सएप मैसेज पर, उन चीज़ों पे जो किसी ने आपको डाउट में या किसी चीज़ में आपको किसी ने जो आप बता दी हैं कि हाँ इसके दूध की यूज़ करने से ये होता है, वो होता है, यो होता है, तो आप एक बात याद रखना, सिर्फ एक बात याद रखना कि जो भी आपके पास मिथ आ रहे हैं, जो भी आपके पास डाउट आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कोई विकीपीडिया वाले मैसेज भेज रहे हैं कि आपके पास, कोई साइंटिफिक साइंटिस्ट रिसर्च करके बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज पर, आपको कहाँ से आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस जा रहा है कोई, या आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, या कहाँ से किसी ने कुछ बता दिया। तो जहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो बताने वाले हैं कौन, क्या हम वहाँ से समझ सकते हैं कि ये दिक्कत बड़ी है या छोटी है, क्या हम वहाँ से समझ सकते हैं कि दूध पीना चाहिए नहीं चाहिए, हम तो कहाँ से पता कर सकते हैं, विकिपीडिया से चेक करो, साइंटिफिकली जो भी रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में सर्च करो, पता करो, डॉक्टरों से मिलो, उनसे सलाह लो, फिर इसके बारे में आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका दूध यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात ट्रस्ट की, विश्वास की, तो मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और मैं तो पहले दिन से इसके बारे में, मुझे कोई डर नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है,
फर्स्ट डे से ही मैं इसको प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ। दूध को पूरी फैमिली यूज़ कर रही है। अगर फिर भी किसी भाई को लगता है कि हम दूध नहीं यूज़ कर रहे या दूध का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो भाई इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बता दूंगा। इसका दूध निकाल के स्पेशल आपके सामने गर्म करके पी के दिखाऊंगा, फिर आप यकीन हो जाएगा कि हाँ इसका दूध हानिकारक है या नहीं। बेचिंतित रहिए, सबको ये मैसेज बताइए, शेयर करिए वीडियो, चाहे आप दूध बेचने वाले हैं चाहे आप खरीदने वाले हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है जो आप सोच रहे हैं इसके बारे में अभी तक, कि इसका दूध यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे ट्रस्ट पे आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है, डॉक्टरों से मिलिए, बात करिए, आपको प्रूफ हो चुका होगा। अगर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पता लगा कि लंपी वायरस है क्या, तो इसके बारे में मेरी अलग से दो वीडियो भी हैं, तो देख सकते हैं ये क्या होती है क्या है। अगर आप जान गए हैं तो इस वीडियो को सभी को फॉरवर्ड कीजिए, सभी को भेजिए, शेयर कीजिए, और चाहे दूध बेचने वाले हो चाहे खरीदने वाले हो, सभी को बताइए कि हाँ इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि नहीं आई कि इसके दूध से कुछ होता है। धन्यवाद सभी का, आपने मेरी इतनी सपोर्ट दिया पहले वाली वीडियो को, आगे आके आप इसको भी आप सपोर्ट देंगे, मुझे विश्वास है। तभी मैंने आपके लिए स्पेशल दूध के ऊपर, इस मिल्क के ऊपर, इस गौ माता के प्यार के लिए जो वीडियो बनाई है, आप इसको भी सपोर्ट देंगे। धन्यवाद फ्रॉम वेटनरी हेल्थ। और रही बात सब्सक्राइब और लाइक की, वो आप कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो में फ़ायदा मिल सके और मेरी हर टॉपिक के ऊपर अलग विश्वास वाली, ट्रस्ट वाली, नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।